श्रीलंका ने 27 सालों से अब तक नहीं जीती है सीरीज वनडे की भारत से। यह एक बड़ी खबर और इस खबर पे हमारी रहेगी नजर। आखिरी बार जीता था 1997 में 3-0 से। मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 मैचों की T20 की श्रृंखला तो समाप्त हो गई, लेकिन आज से ही 3 मैचों की ODI श्रृंखला शुरू हो गई है। और यह श्रृंखला आज पहला मैच है, उसके बाद 4 तारीख और आखिरी मुकाबला 7 तारीख को खेला जाएगा। ऐसे में एक स्टैट्स निकल के आ रहा है, एक आंकड़ा जो कि दिलचस्प आंकड़ा है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो जीत से मरहूम हुए हैं, इतनी दूरी बनी है, 27 सालों की एक बड़ी दूरी होती है, लगभग 3 दशक कह सकते हैं। भारत के खिलाफ एक बायलेटरल यानी दो पक्षी सीरीज में वनडे एक दिवसीय मुकाबले में अब तक पटखनी नहीं दे पाया है भारत को। हालांकि उसके बाद अब तक 10 बारी सीरीज हो चुकी है और 10 में से 10 भारत ने जीता है। आपको याद होगा दोस्तों, पिछली बार एशिया कप श्रीलंका में हुआ था, हालांकि मेजबानी मिली थी पाकिस्तान को। फाइनल मैच की मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहूंगा हाइलाइट्स के बारे में। श्रीलंका की टीम 50 रनों पे ऑल आउट हो गई थी। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि आज जो उनका दौर है, ये किस तरह का दौर चल रहा है। हालांकि उनको नए कोच मिले हैं, ये वही कोच है सनत जयसूर्या, जिन्होंने 1997 में श्रृंखला जिताने में ही नहीं, पूरा वर्ल्ड कप जिताने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। नए कप्तान मिले हैं, चरित असलंका है, उनके ऊपर भी काफी भरोसा है। हालांकि इस दौरान देखा जाए तो ICC के इवेंट्स में दोनों कई बार एक दूसरे से खेल चुके हैं। हालांकि कुछ मौके पर श्रीलंका ने भारत को हराया है, वो ICC इवेंट का मैच था। एक दौर था दोस्तों 1996 से लेकर 2000 तक का। आपको याद होगा कप्तान अर्जुन रणतुंगा के नेतृत्व में अरविंद डिसिल्वा, सना जयसूर्या, रोशन महानामा, रोमेश कालुवितरना, मुथैया मुरलीधरन वर्ल्ड क्लास टॉप के ऑफ स्पिनर, और साथ ही साथ चमिंडा वास, वो लेफ्ट आर्म पेसर गेंदबाज आपको याद होगा जिसने सचिन को सबसे ज्यादा परेशान किया था। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर को। वो क्या टीम की स्ट्रेंथ अब नहीं है या कुछ चमत्कार की उम्मीद है? लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आज के मैच में श्रीलंका वो 27 सालों का सूखा इस सीरीज को जीतकर क्या पूरा कर पाएगी। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जरूर हमें बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।